रिजर्व बैंक की ओर से मतभेदों को सार्वजनिक किए जाने पर वित्त मंत्रालय द्वारा रोष प्रकट किए जाने के बाद अब मंत्रालय के एक टॉप ऑफिसर ने विवादों को नए सिरे से हवा दे दी है। इससे सरकार और आरबीआई के बीच टकराव बढ़ने की आशंका पनप रही है। इस बार आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के हाल में ही दिए व्याख्यान पर तंज कसा। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग वित्त मंत्रालय की वह प्रमुख शख्सियत हैं, जिन पर आरबीआई के साथ संबंधों की देखरेख करने की जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के इस बयान पर कहा कि सेंट्रल बैंक की स्वायत्तता का सम्मान नहीं करने वाली सरकारों को आज न कल वित्तीय बाजारों का आक्रोश झेलना पड़ता है, टिप्पणी करके विवाद को अगले दौर में ला दिया। गर्ग ने कहा कि इस समय तो वृहद आर्थिक संकेतकों में सुधार ही दिख रहा है और विनिमय दर 73 रुपए प्रति डॉलर से भी मजबूत हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 73 से कम पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $73 के नीचे आ गया है। सप्ताह के दौरान मार्केट 4% ऊपर रहा और बॉन्ड यील्ड 7.8% के नीचे आ गया। क्या यही बाजारों का आक्रोश है? गवर्नर उर्जित पटेल की ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त डिप्यूटी पर गर्ग की टिप्पणी तब सामने आई है जब सरकार ने 2 दिन पहले ही बेहद सदे शब्दों में बयान जारी कर इसी बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि आरबीआई ने सरकार के साथ मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया। बैंकों को कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने के सरकार के तर्कों से वे सहमत नहीं दिखते हैं। ज्यादा कर्ज देना उचित नहीं है, उन्होंने कहा। अतीत में देखा गया है कि बैंकों में फंड बढ़ाकर कर्ज देने की रफ्तार तेज करने से कंपनियों में कर्ज फंसता है, जिसका सीधा असर बैंकिंग सिस्टम में एनपीएस की वृद्धि के रूप में दिखता है।